हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिल्ली से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं और हम दिल्ली से पहले हरिद्वार आए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, होटल्स वगैरह मिल नहीं रहे थे, तो हमने सोचा पहले ऋषिकेश घूम के आते हैं। तो अब हम ऋषिकेश की तरफ चल रहे हैं, पर हमें होटल अपने पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए कल सुबह से हम घूमना स्टार्ट करेंगे। होटल के सबसे नज़दीक में इस 13 मंजिला इमारत की 2 ब्रांचेस हैं। ये एक इसी के बगल में एक पुराना वाला है और जिस पे अभी हम लोग जाएंगे वो नया वाला है। यहाँ पर शाम को गंगा की आरती होती है, तो हमने प्लान किया है कि हम दोबारा शाम को गंगा आरती देखने यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब चढ़ते हैं अपने 13 मंजिला टेम्पल में। इतना ऊंचा है, मुझे तो डर लग रहा है। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं मंदिर में। बहुत लोग तो ऊपर तक जा भी नहीं पाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। और फाइनली हम अपने 13 मंजिला इमारत पर पहुँच चुके हैं। ये सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो पंडित जी आपको प्रसाद देते हैं, टीका लगाते हैं, जहाँ पर त्रिशूल वाले टीका लगाते हैं। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है। ये देखिए हम कितने ऊपर चढ़कर आए हुए हैं। 13 स्ट्रोलर टेम्पल है और ये रहा नीचे दिख रहा है यार। और ये रहा हमारा लक्ष्मण झूला, जो कि कितना खूबसूरत दिख रहा है ऊपर से इसका व्यू। ओह माय गॉड। और यहाँ देखिए नीचे कितने लोग तुरंत नीचे ही खड़े थे। इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते हमने ब्रेक भी बहुत जगह लिया है, बीच में ठंडा पानी भी है पीने के लिए, तो थोड़ा आनंद था। बाकी यहाँ से व्यू कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। ये जो सामने आपको टेम्पल दिख रहा है, ये 13 मंजिल टेम्पल है। ये पुराना वाला टेम्पल है और जिस पर मैं खड़ी हूँ उसको भी सेम संस्था ने बनाया। अब चलिए परमार्थ निकेतन की तरफ। ये रहा राम झूला। सबसे पहले हम आए हैं स्नान करने, इसके बाद हम जाएंगे परमार्थ निकेतन आरती के लिए, गंगा आरती। सबसे अच्छी गंगा आरती परमार्थ निकेतन की ही होती है। ये रहा राम झूला। यहाँ पर देखिए कितने अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। चलिए परमार्थ निकेतन की तरफ। ये है परमार्थ निकेतन का गेट। सॉरी, मैं यहाँ पर वीडियो नहीं ले पाई। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने शहर दिल्ली वापस। लेकिन वापस जाते हुए बीच रास्ते में हमें राजा जी नेशनल पार्क देखा, तो अभी तो वहाँ भी घूमना तो बनता ही है। वैसे मैंने आपको एक बात और नहीं बताई, ये बेस्ट प्लेस फॉर एडवेंचर है। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं। मैंने तो इस बार नहीं किया क्योंकि बारिश का मौसम था, काफ़ी रिस्की था। अगली बार हम ज़रूर इसका आनंद उठाएँगे। अब चलते हैं राजा जी नेशनल पार्क की तरफ। उसकी अपडेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।